फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कच्चे आम की बहुत ही झटपट बनने वाली, जस्ट 5 मिनट में बनने वाली चटनी। इसके लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सिर्फ मैंगो, अनियन, जिंजर, गार्लिक और चिली चाहिए। इन सबको मैं धो के अच्छी तरह से काट लेती हूँ, छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए। चाहे तो आप इसको मिक्सी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको चॉपर में बनाऊंगी। वैसे तो कुंडा डंडा जो होता है कूटने वाला, उसमें बनाया जाए, मोर्टर एंड पेस्टल कहते हैं इसको, तो ज़्यादा टेस्टी बनती है, लेकिन वो तो है नहीं मेरे पास। तो मिक्सी में बनाएंगे तो थोड़ी बारीक चटनी बनेगी, वो भी टेस्टी ही बनेगी, लेकिन मैं चॉपर में बना रही हूँ। इसमें ये दरदरी सी पिसेगी, तो सारे इंग्रेडिएंट्स हम इसमें डाल लेते हैं। मसाले में मैंने बहुत कम मसाले डाले हैं, जस्ट काला नमक, सफ़ेद नमक और काली मिर्च डाली है। आप चाहें तो कोई और मसाला भी अपनी पसंद का डाल। दैट्स इट, हो गया है। देखिए, जो दरदरा सा पिसा है, इसका टेस्ट बहुत ही क्रंची सा आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहे तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं, वो भी अच्छा ही बनेगा। ये मेरे पास जैम की खाली बॉटल्स मैंने संभाल के रखी होती हैं, चटनी और अचार वगैरह स्टोर करने के लिए। जब तक मैं इसको स्टोर करती हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन प्रेस कीजिए और प्लीज़ कमेंट जरूर करके बताया कीजिए और लाइक बटन ज़रूर प्रेस किया कीजिए। आप मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियो जो है अच्छी लग रही है, मुझे ज़रूर बताया कीजिए। इसे हम फ्रिज में संभाल के रख सकते हैं और आप भी बनाइए, मज़े लीजिए। सिर्फ 5-6 मिनट लगते हैं इसको बनाने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।